नमस्कार, तेज हरियाणा के मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में कोरोना वायरस के आंकड़ों के रोजाना होने वाले उतार चढ़ाव के बीच सोमवार को थोड़ी राहत और थोड़ी परेशानी वाली रिपोर्ट सामने आई है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक 24 घंटों के भीतर कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या नए मरीजों की संख्या से कहीं ज्यादा अत्यधिक रही। जहां आज 654 नए कोरोना के पॉजिटिव केस रिकॉर्ड में दर्ज किए गए, तो वहीं पर 780 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। और उससे भी बड़ी हरियाणा के लिए राहत की बात यह है कि हरियाणा का रिकवरी रेट 82% के पास पहुंच गया है। प्रदेश में कुल 37,173 कोरोना संक्रमितों में से 6,263 केस एक्टिव है। वहीं आज 7 मौतों के साथ मौत का आंकड़ा भी 440 पर पहुंच गया। इनमें से 168 मौतें केवल कोरोना वायरस के कारण हुई है, बाकी अन्य 272 मृतकों में कोविड-19 के साथ दूसरी गंभीर बीमारियां भी थी। वहीं प्रदेश में अब तक 30,470 कोरोना के मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। प्रदेश में 130 मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। ऑक्सीजन स्पॉट पर 110 मरीज व वेंटिलेटर पर 20 मरीज इस वक्त मौत और जिंदगी की जंग को लड़ रहे हैं। अब आपको 22 जिलों का हाल बताते हैं। जिले वाइज गुरुग्राम से 43 केस पॉजिटिव मिले हैं पिछले 24 घंटों में। फरीदाबाद से 170, सोनीपत से 25, भिवानी से 3, रेवाड़ी से 50, करनाल से 20, अंबाला से 9, झज्जर से 9, पलवल से 15, महेंद्रगढ़ से 5, हिसार से 33, पानीपत से 106, नूह से 4, कुरुक्षेत्रा से 27, सिरसा से 17, जींद से 14, फतेहाबाद से 10, पंचकुला से 60, यमुनानगर से 27, कैथल से 7 और बाकी 2 ऐसे ज़िले हैं चरखी, दादरी और रोहतक जहां पर कोरोना का कोई भी पॉजिटिव केस नहीं मिला है। अब हरियाणा में टोटल 37,173 संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच गया है, जिनमें से 30,470 लोगों ने कोरोना को मात देकर घर वापसी की है। और अगर हम सबसे कम एक्टिव केस की बात करें तो भिवानी सबसे ऊपर है, जहां पर 31 लोगों का उपचार अभी भी चल रहा है। 57 लोगों का इलाज चरखी दादरी में, कैथल में 71 का इलाज चल रहा है, 52 लोगों का इलाज नूह में चल रहा है। सबसे अत्यधिक ज़्यादा मरीज 932 फरीदाबाद में है, 825 गुरुग्राम में है, 333 सोनीपत में अभी भी एडमिट हैं, रोहतक में 417 है, रेवाड़ी में 481 है, करनाल में 369 मरीजों का इलाज जारी है, अंबाला में 295 का, 99 झज्जर में, पलवल में 169, 171 महेंद्रगढ़ में, हिसार में 303 का, 467 का पानीपत में, 242 का कुरुक्षेत्रा में इलाज जारी है, 170 का सिरसा में, 124 का जींद में, फतेहाबाद में 114 मरीजों का इलाज जारी है, पंचकुला में 382, 159 यमुनानगर में। तो ये वो ज़िले हैं जहां पर एक्टिव केस की हमने आपको संख्या बताई है। तो ये हरियाणा के लिए बहुत ही एक अच्छी खबर इस लिहाज से हम आपको भी दे रहे हैं कि हरियाणा का रिकवरी रेट अब करीबन 82% के पार जहाँ पहुँचा। अब तक हरियाणा में कुल 657,949 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 615,375 की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई, जबकि 5,401 की रिपोर्ट का अभी तक भी इंतज़ार है। फिलहाल प्रदेश में कोविड-19 पॉजिटिव रेट है वो 5.70% पर बना हुआ है। आपसे गुजारिश करते हैं कोरोना से एहतियातन सोशल डिस्टेंस को, चेहरे पर मास्क रखिए और अगर आप बिना मास्क बाहर निकलते हैं तो पुलिस आपका कभी भी चालान काट सकती है। आप संयम बरतें, हो सकता है घर से काम करें, भीड़ का हिस्सा ना बने और सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस के कभी भी ना निकलें। इसलिए ज़रूरी है दोनों वैक्सीन, सोशल डिस्टेंस और चेहरे पर मास्क रखें। दूसरों को, मित्रों दोस्तों को, अपने को हमेशा अवेयर करते रहें और अफवाहों से बचें। कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करें, क्योंकि अभी भी देश और दुनिया की कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। मगर हरियाणा प्रदेश के लिए अच्छी बात यह है, घबराने की बात नहीं, कि हरियाणा में ठीक होने वालों का आंकड़ा अब रोजाना बढ़ने लगा है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 100 में से 82 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। सिर्फ 18% लोगों का इलाज हरियाणा में चल रहा है। आपसे गुजारिश, आप अनलॉक के अंदर तमाम बातों के नियमों की पालना करें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप पहली बार YouTube पर आए हैं तो तेज हरियाणा को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हर अपडेट हम आपको रोजाना दे सकें। आप सबका दिन शुभ रहे, बहुत बहुत शुक्रिया।